तो दोस्त, आप में से शायद बहुत लोगों ने AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के पहले दिन हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, और यही दो टीम बाकी के दो मैच में इंडिया के अपोनेंट भी है। तो उस मैच में अनएक्सपेक्टेडली हांगकांग ने अफगानिस्तान को 2-1 के स्कोर लाइन से हरा के सबको सरप्राइज किया था। बट दोस्त, स्कोर लाइन या रिजल्ट पे मत जाइए, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत क्वालिटी टीम है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आप सबको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान और हांगकांग में से कौन सा टीम इज़ मोर बीटेबल, और दोनों ही टीम में कुछ स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुभदीप, एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। तो देखिए, पहले इस अफगानिस्तान टीम के बारे में जानते हैं। तो इस अफगानिस्तान के टीम में जो प्लेयर्स है सारे यूरोप या अच्छे लेवल के एशियन लीग्स में खेलते हैं। दैट मीन्स इस टीम के पास तो मसाला है, और बहुत क्विक एंड स्विफ्ट पासेस खेल सकता है सारे प्लेयर्स, और बॉल कंट्रोल भी अच्छा है। तो इस अफगानी टीम को हांगकांग के खिलाफ पहला मैच दोपहर को खेलने में परेशानी आई थी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन कोलकाता, एंड दे आर अनेबल टू प्ले देयर प्रॉपर गेम। तो इंडिया के खिलाफ मैच तो शाम को है, एंड दे विल बी मोर कम्फर्टेबल देन। तो मेनली देखा जाए तो इस अफगानिस्तान के टीम में जो सेंट्रल डिफेंडर्स और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है, दे लुक लिटिल बिट सेकी। बट इस टीम के जो विंगर्स है, दे आर वेरी क्विक, और साथ में सारे प्लेयर्स की फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए, बट इंडियन प्लेयर्स कैन डेफिनेटली ओवरकम दिस फिजिकलिटी विद देयर स्किल एंड टेक्निक। और जस्ट लाइक हांगकांग, अफगानिस्तान को अगर हम क्विक प्रेसिंग करेंगे 2-3 प्लेयर्स मिलके, तो एक ना एक प्लेयर के सामने दे विल लूज द बॉल, और नेक्स्ट मैच में मे बी अफगानिस्तान मोर अटैकिंग खेलेगा। देन बॉल अगर हम प्रेसिंग से स्नैच कर पाते हैं तो काउंटर अटैक में खुला मौका मिल जाएगा, एंड देन वी हैव टू क्रिएट दोस स्कोरिंग चांसेस एंड स्कोर द गोल ऑल्सो। सो अफगानिस्तान इज डेफिनेटली ए बीटेबल टीम फॉर इंडिया। एंड देन इस हांगकांग की टीम को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एजेड प्लेयर्स है, साथ में मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हांगकांग के मेन टीम के 7 प्लेयर्स नहीं आया है। बट हांगकांग ने जो खेल दिखाया उस दिन, दैट शोज दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और हांगकांग के जो कोच है, ही इज टॉप नॉच एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड। तो हांगकांग के टीम में कुछ एजेड प्लेयर्स तो है, स्टिल दे आर वेरी एजाइल एंड क्विक। तो ये टीम बहुत प्रेसिंग करके खेलती है, और मौका मिलने से ही अटैक कर देती है, और इस टीम में सारे खिलाड़ी बहुत फिट भी है, ऐसा ही लगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में देख के। एंड दे हैव टू यंग एंड हाईली टैलेंटेड प्लेयर इन देयर अप फ्रंट, दैट नंबर 9 एंड नंबर 10 वांग वाई एंड मैट ओर। ये दो प्लेयर्स से बच के रहना होगा इंडियन डिफेंस को। तो हांगकांग को अगर चांस ना दिया जाए, देन दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अस दैट मच, एंड डेफिनेटली वी कैन बीट हांगकांग ऑल्सो। तो आई होप इंडियन टीम अफगानिस्तान एंड हांगकांग दोनों को ही अच्छे से वॉच कर रहा होगा, और उसके मुताबिक प्लान भी करेगा। और दोस्त, हमारे प्लेयर्स अगर सही से खेलते हैं, देन दे आर दैट मच केपेबल टू बीट एटलीस्ट अफगानिस्तान एंड हांगकांग। सो आशा रखते हैं कि इंडियन टीम और भी इम्प्रूव करेगा अपना परफॉर्मेंस, और बाकी के दो मैचेस में अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो यही था इस वीडियो में, तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।